तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो थर्ड फेज की शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक बार सर आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। प्रिया सिन्हा मेरी सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रिया, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और लगभग आधे घंटे 40 मिनट का लगभग वक्त हो चला है। इस समय आपके साथ कोई मौजूद है क्या? जी, क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं शिखा, और 38 मिनट का वक्त बीत गया। देखिए, तमाम लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप वोटर्स भी हमारे साथ हैं, कैसे लग रहा है 10 साल के बाद चुनाव? अच्छा लग रहा है, कम से कम जम्मू के बालों का नंबर तो आ गया। मुद्दे क्या है जम्मू के? मुद्दे तो जम्मू के बहुत हैं, लेकिन अब कैसे वो सेटल होते हैं, कैसे उनका इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। देखो, गवर्नमेंट को इसकी आती है क्या होता है क्या नहीं, लेकिन लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इस चीज़ के, जहाँ जम्मू में भी डेमोक्रेटिक रूल शुरू हो, क्योंकि बड़ी देर से गवर्नर रूल ही चल रहा था। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस टाइम अगर जो हमारी किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो लोगों को काफ़ी इसके बेनिफिट होते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट और बाहर का बड़ा फर्क होता है। गवर्नर रूल अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पीपल्स रो जो आएगा रूल, कोई भी वहाँ होगा, आपके हमारे सब वाकफकार होते हैं, सब लोगों का कोई उनका वो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उनके काम होते हैं, उनमें उनको काफ़ी सहूलत मिलती है। तो आपको इस बात की खुशी है कितने टाइम के बाद चुनाव? हाँ, बहुत खुशी है, क्योंकि इतना पेंडिंग होना नहीं चाहिए था, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इतना। 8 अक्टूबर को जब नई सरकार आएगी तो जम्मू की क्या उम्मीद है नई सरकार? देखो, जम्मू की बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू देखो 10 साल से पिछड़ा हुआ है, तो अब वो कहते हैं कि अगर जम्मू में नई सरकार आए, जम्मू के लोअर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो लोगों का भी ख्याल रखेंगे, अपना भी रखेंगे, हमारी स्टेट का, खासकर जम्मू में काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि नहीं पूरी हो पाई। शिखा, एक बार तस्वीरें दिखाते चलते, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन, उसके अलावा CISF की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से बुजुर्गों में भी गजब का उत्साह है, उनके लिए भी बाकायदा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आप देख रही है, क्योंकि इससे पहले जब जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते थे तो सियासी सेंटर के तौर पर श्रीनगर को देखा जाता था, लेकिन अब जो जम्मू संभाग के लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र के तौर पर जम्मू भी इसी तरीके से उभरे, और यही वजह है कि इस बार कहा जा रहा है कि जो आखिरी चरण है ये बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकता है, जिसके तहत जम्मू की 24 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग जा रही है। और शिखा, जो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हालांकि अभी सिर्फ मुझे लगता है कि 41 मिनट का वक्त बीता है, उम्मीद की जा रही चाहिए कि इस बार तीसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग। और तस्वीरें तो कम से कम यही कह रही है प्रिया, कि पहले के मुकाबले इस बार आज जो है मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहेगा।